सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के मुख्य बाजार स्थित दुकान और गांधी आश्रम के निकट एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की है। छापेमारी करीब 11 घंटे तक चली। इस दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की गई। छापेमारी के दौरान शहर के व्यापारियों ने टीम का विरोध भी कर दिया। करीब आधे घंटे तक व्यापारियों और अधिकारियों के बीच बहस होती रही। डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के मुख्य बाजार में भूपेंद्र नामक दुकानदार प्रतिबंधित डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री बेचने का कार्य करता है। सूचना के आधार पर दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकान पर भूपेंद्र का पुत्र गौरव मौके पर मिला। छापेमारी के दौरान दुकान में करीब 102 किलोग्राम डिस्पोजल प्लास्टिक रखी हुई मिली, जिसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान उन्हें मालूम हुआ कि दुकानदार ने एक गोदाम गांधी आश्रम के सामने बनाया हुआ है। गोदाम में भारी मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है। दुकान पर मौजूद गौरव को गोदाम की जाँच करवाने के लिए साथ चलने के लिए कहा गया, मगर उसने विरोध करना शुरू कर दिया और कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद जिला उपायुक्त द्वारा सर्च वारंट जारी करवाया गया। इसके उपरांत रात को मालिक भूपेंद्र की मौजूदगी में गोदाम की जांच की गई। गोदाम से भारी मात्रा में सरकार द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री, ग्लास, प्लेट, कंटेनर इत्यादि मिले। सामान का वजन करने पर करीब 4321 किलोग्राम पाया गया। सरकार द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजल प्लास्टिक का उपयोग करने पर नगर परिषद द्वारा 25,000 रुपए का चालान किया गया। आज चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यापारी है पलवल में जो प्रतिबंधित सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो जो पॉलिथीन है वो बेचते हैं वो, तो इस आधार पे वहाँ लोकल पुलिस और जो लोकल जो सिविल अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ वहाँ पे जो चेक किया गया था तो उनके पास वो मिली है, तो वो कब्जा में उन्होंने ले लिया था। क्योंकि सिविल अथॉरिटी ही काम करते हैं, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी काम पुलिस और वो करते हैं। तो उन्होंने उसी एम्प्लाइंग के साथ जो रेड हुई तो वो जो मिला उसका 25,000 रुपये जुर्माना वो कर दिया। फिर बाद में पता चला कि उनका एक गोडाउन भी है यहीं पे।